सब्जेक्टिव शीट नंबर 17, बहुत बेसिक शीट है। पहला फॉर्मूला जो हमने किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो फॉर्मूला क्या था? वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहला क्वेश्चन है, कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, कैपिटल आर गिवन है, एरिया ऑफ, एरिया भी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी गिवन है, कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड वी डी, और साथ में क्या गिवन है? इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है, एन गिवन है। मेरे को ड्रिफ्ट का फॉर्मूला एन की फॉर्म में एक ही आता है, वी डी इज इक्वल टू आई बाय एन ए, यही आता है। तो एक काम करते हैं, इसमें आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड वी डी निकालना है। आपको आई गिवन नहीं है, पर आपको वी गिवन है, वी गिवन है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, तो आप आई तो निकाल ही सकते हो। कैसे? वी डिवाइडेड बाय आर, तो आई भी पता लग गया, आपको एन पता है, आपको एरिया पता है, आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वी डी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे वी डी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है यहाँ तक? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, एरिया आपको पता है, करंट आपको पता है, और कंडक्टिविटी भी पता है। देखो मैंने जो देखा है, जिन क्वेश्चंस के अंदर ई सिग्मा कंडक्टिविटी हो, उसमें ना ओम लॉ लगा दो, वेक्टर फॉर्म में बेस्ट है। तो क्या था ओम लॉ वेक्टर फॉर्म में? करंट डेंसिटी इज सिग्मा इनटू ई, यही था फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जे का मतलब क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। सिग्मा का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी सिग्मा आपको गिवन है, कंडक्टिविटी सिग्मा आपको गिवन है। ई आपको निकालना है, करंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पता है और एरिया की वैल्यू भी पता है, सॉल्व करके ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जिन क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा ये चीज़ें गिवन हो, तो यहाँ से वैल्यू आ सकती है किसकी? आप ओम लॉ लगाएंगे, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? ठीक है, पूरी शीट सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, एक एल्यूमिनियम वायर है जिसका डायमीटर गिवन है, तो समझो रेडियस भी गिवन है। एक कॉपर वायर के साथ कनेक्टेड है जिसका डायमीटर गिवन है, समझो एरिया भी गिवन है, पाई आर स्क्वायर। वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, ऑब्वियसली कनेक्टेड है तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों में 10-10 एम्पियर करंट है। क्या निकालना है? करंट डेंसिटी इन एल्यूमिनियम वायर। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट अपॉन एरिया। करंट 10 एम्पियर गिवन है क्योंकि आपको डायमीटर गिवन है, तो रेडियस गिवन है, वहां से पाई आर स्क्वायर से एरिया भी गिवन है, डिवाइड करके करंट डेंसिटी आ गई। कोई डाउट इसमें? तो करंट डेंसिटी में करंट अपॉन एरिया कर देंगे क्रॉस सेक्शन का, डिवाइड करके आंसर आएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट है नंबर टू, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर। तो आपको ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है कॉपर वायर में क्या होगी। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड में करेंगे क्या? आपको क्या गिवन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक वॉल्यूम भी गिवन है। इसको क्या लिखते हैं? स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है। तो ड्रिफ्ट स्पीड निकालने का फॉर्मूला एन की फॉर्म में एक ही आता है आपको, आई बाई एन ए। आई इसमें पता है 10 एम्पियर है, एन आपको क्वेश्चन में गिवन है, एरिया पाई आर स्क्वायर पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, सॉल्व करके वी डी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? तो वी डी की वैल्यू आ जाएगी आई बाई एन ए। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, ये सब बहुत लिखा हुआ है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या गिवन है और क्या लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, करंट एक एम्पियर का फ्लो कर रहा है एक कॉपर की वायर में जिसकी लेंथ आपको गिवन है। एक एम्पियर का करंट है, लेंथ आपको पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता है। इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रो ए की बात है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी रो है, रेजिस्टिविटी भी रो है, तो रेजिस्टिविटी भी पता है। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। तो एक बात बताओ, L पता है, A पता है, रो पता है, इसको देखते ही एक फॉर्मूला याद आता है R का, रो L बाई ए। रो L A पुट करके रेजिस्टेंस आ गई,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपने निकाल ली, करंट आपको पता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो ये स्टेप क्लियर है आता, तो आपके पास पहले रेजिस्टेंस आएगी, फिर आपके पास करंट से मल्टीप्लाई करके वी आएगा। सिमिलरली करंट डेंसिटी भी निकाल लो, करंट डेंसिटी क्या है, करंट बाय एरिया, करंट आपको पता है, एरिया आपको पता है, डिवाइड करके करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? तो कितने लोगों ने सॉल्व की हुई है शीट, ट्राई की है? ओके, तो समझ में आ रहा है, ऐसे किया तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें। जैसे एक वायर गिवन है, एक थोड़ी मोटी क्रॉस सेक्शन की वायर है, आगे पतली हो जाती है, तो ये दो डायमीटर्स हैं वायर के। एक चीज याद रखना, जब वायर छोटी बड़ी हो जाती है, तो जैसे लिक्विड्स के चैप्टर में पाइप छोटी बड़ी होती थी, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती थी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड रिमेन्स सेम, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। सेम लॉजिक इसके अंदर भी है। सेम लॉजिक क्या है इसमें, कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम का मतलब है कि इसमें चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, वॉल्यूम नहीं, लिक्विड में वॉल्यूम यू वर्ड यूज करते हैं, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है। तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड में का मतलब क्या होता है, करंट। तो करंट की वैल्यू पूरी वायर में दोनों में क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम, चाहे मोटी वायर है चाहे पतली वायर है, करंट सेम रहेगा। तो करंट सेम है, डायमीटर दोनों का, डायमीटर D1 आपको पता है, करंट डेंसिटी लेफ्ट वायर की J1 पता है आपको। तो कह रहे हैं व्हाट करंट फ्लो इन टू दी वायर, तो मुझे पता है कि फर्स्ट पार्ट में करंट डेंसिटी क्या होगी, फर्स्ट वायर की करंट बाय एरिया, पहली वायर का करंट क्या होगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो एरिया पहली वायर का निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर, डायमीटर बाय 2 कर लेना, तो यहां से J1 पता है, D1 पता है, मल्टीप्लाई करके I1 की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो I1 क्लियर है यहां तक। अब जो I1 इसमें आएगा वो I1 इसमें भी जाएगा, तो करंट तो सेम ही रहेगा, आपको इसका डायमीटर बताना है D2। अब करंट सेम रहेगा, लेकिन साथ में एक हिंट गिवन है, इफ करंट डेंसिटी इज डबल्ड एज इट एमर्जेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द वायर, यानी कि यहां पर J2 की वैल्यू 2 times J1 गिवन है, तो ये गिवन है, करंट डेंसिटी सेकेंड वायर की 2x थी पहली वायर की करंट डेंसिटी है, तो J2 इज 2 times J1 है, करंट सेम है, करंट क्या होगा, पहली वायर का J1 इंटू A1, दूसरी वायर का क्या होगा J2 इंटू A2। तो आपको J1 एरिया पहली वायर का पता है, एरिया दूसरी वायर का पता है, और J2 वो क्या पुट कर सकते हैं, 2 times J1, तो वो J1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो डायमीटर D2 D1 का रिलेशन आ जाएगा, पहली वायर का डायमीटर पता है, सेकेंड वायर का डायमीटर कैन बी कैलकुलेटेड। तो लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ तक कि करंट डेंसिटी डबल करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसमें। तो करंट डेंसिटी डबल है, लेकिन करंट की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम है। चला, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूलाज, हमने पहला फॉर्मूला किया था रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A, R = ρL/A। डेंसिटी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में क्या लिखेंगे इसमें, टाउ। तो एवरेज रिलैक्सेशन किसकी फॉर्म में, यहाँ पर टाउ। तो रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला है, और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में रेसिप्रोकल है, ये फॉर्मूला हमने किए। तो इसके अंदर फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल, रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, रो। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, सिग्मा। ठीक, तो रेजिस्टिविटी निकालनी है रो, वायर की लंबाई पता है, डायमीटर यानी कि रेडियस पता है, और रेजिस्टेंस पता है। अगर रेडियस पता है तो एरिया भी पता है पाई आर स्क्वायर से। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। हमें अगर आर पता है, एरिया पता है, और रो निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रो एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, ra/L। एरिया पाई आर स्क्वायर है, आपको क्वेश्चन में कैपिटल आर पता है, लेंथ पता है, और रेडियस भी पता है, आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कभी वो आपको रो दे के आर पूछेगा, कभी आर दे के रो पूछेगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें? जैसे नेक्स्ट है, फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो फिर से क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या, क्या निकालना है, रो। जिसमें क्या गिवन है, करंट डेंसिटी, और जिसमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। मैंने आपको बताया था, जब करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, आप ये कुछ भी मत यूज करें, आप ओम लॉ यूज करें, J = σ/E यूज करें। तो आपको इस क्वेश्चन में J गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी, पर हमने क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल कर लेना आंसर, दो लाइन में खत्म हो जाएगा। तो क्या ये पॉइंट्स सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक?
कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो रेसिप्रोकल से आंसर आएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में, वायर जिसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है इज यूज टू वाइंड अ कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर और वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 mm। देखो इसमें वायर के दो रेडियस गिवन है, और वायर के दो रेडियस कैसे हो गए? आपने एक तार को लेके एक बड़ा चक्कर बनाया, 7 सेंटीमीटर का कॉइल घुमाया, वाइंडिंग बनाई, 7-7 सेंटीमीटर उसको घुमाया, और एक रेडियस है क्रॉस सेक्शन वाला, ये वाला, कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रो एल बाई ए में एरिया यहाँ का यूज़ करते हैं। ठीक, तो दो रेडियस चाहिए, एक क्रॉस सेक्शन का, क्रॉस सेक्शन का रेडियस बहुत छोटा है, 1.4 mm डायमीटर है, डिवाइड बाई टू करके इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस आएगा, तो एरिया आ जाएगा, और एक बनेगी लेंथ 7 सेंटीमीटर की। तो ये बताओ कि अगर इसमें क्वेश्चन में निकालना है कि एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मान लो इसमें कितने टर्न्स आपने इसमें वाइंडिंग में लगाए ये निकालना है, तो वायर की लंबाई क्या होगी? एक चक्कर की लंबाई क्या है? 2π इंटू कैपिटल आर। ऐसे एन चक्कर हैं तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी? एन इंटू 2πr। इसको एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आएगा एन इंटू 2πr। तो एन इंटू 2πr में रेडियस क्या लेंगे? 7 सेंटीमीटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी एक टर्न की लेंथ आ गई, एन टर्न्स हैं तो टोटल लेंथ, टोटल लंबाई आ गई। अब मुझे पता है आर क्या होता है, रूएल बाई ए। वो कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, पूरी वायर की रेजिस्टेंस तो गिवन ही है, पूरी वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रो ए की बात है, रो भी गिवन है। एल की जगह क्या पुट कर सकते हैं? एन इंटू 2πr, और एरिया आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको क्रॉस सेक्शन रेडियस गिवन है, तो एरिया आ गया। यहां से सॉल्व करके एन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस टोटल गिवन है, लेंथ ऑफ द वायर जो लगेगी पूरी वाइंडिंग में वो एक चक्कर का सर्कमफ्रेंस इंटू एन चक्कर, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक वायर है 10 ओम की रेजिस्टेंस है, उसको स्ट्रेच कर दिया थ्राइस दी ओरिजिनल लेंथ, हमने लास्ट टाइम किया था, तो बताओ इसकी नई रेजिस्टिविटी क्या होगी? एन स्क्वायर होगी? नहीं, रेजिस्टेंस एन स्क्वायर होगी। रेजिस्टिविटी रो मटेरियल पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपने मटेरियल चेंज नहीं किया तो रेजिस्टिविटी की रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो रो रिमेन सेम। हाँ, दूसरा पार्ट सही है, 10 ओम की रेजिस्टेंस है, 3 गुना ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, तो सीधा शॉर्टकट लगाओ एन स्क्वायर इंटू आर आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें? तो रेजिस्टेंस में फॉर्मूला लगेगा, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंडेंट है और मटेरियल हमने चेंज नहीं किया तो रो की वैल्यू विल रिमेन सेम। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया था, ये बुकलेट का ही क्वेश्चन है, लास्ट टाइम 75% वाला सेम क्वेश्चन है, ये कर लिया था। अगर n टाइम स्ट्रेच करेंगे वायर को तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगी? n स्क्वायर। नेक्स्ट है, दो वायर्स हैं, इसका सॉल्यूशन में थोड़ा उल्टा लिखा गया मुझसे, सॉल्यूशन सही नहीं है। दो वायर्स हैं ऑफ इक्वल मास एंड सेम मेटल, सेम मेटल का मतलब इसकी रेजिस्टिविटी एंड डेंसिटी दोनों की दोनों वैल्यू क्या रहेंगी? एग्जैक्टली सेम, मटीरियल चेंज नहीं करेंगे तो रेजिस्टिविटी और डेंसिटी सेम रहती है। डायमीटर ऑफ वायर ए इज हाफ डायमीटर ऑफ बी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेडियस की रेशियो आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है? डायमीटर की रेशियो गिवन, तो रेडियस की रेशियो तो अपने आप ही आ जाएगी, ये गिवन है। अगर रेजिस्टेंस ए की 24 है तो बी की क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो आप सिंपली ये काम करें, आप इसके अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, ए की रेजिस्टेंस इज रो एल डिवाइडेड बाय ए, रो एल बाय एरिया। आप इसमें बी की रेजिस्टेंस लगाएं, रो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है, एरिया और लेंथ चेंज हो जाएगी, इन्हें डिवाइड कर लें, रो से रो क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आपको डिवाइड करके रो से रो कैंसल, तो रेशियो आएगी एल ए बाय एल बी, आर बी स्क्वायर बाय आर ए स्क्वायर, ये आएगा आपके पास, ये आएगा। कोई डाउट इसमें? रेडियस की रेशियो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है, लेंथ की रेशियो हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें क्या गिवन है, मास की वैल्यू रिमेन सेम। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या है? पाए आर ए स्क्वायर एल ए इंटू डेंसिटी, और ऐसी वॉल्यूम इंटू
डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी कट गई तो लेंथ की रेशियो आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अब क्योंकि रेडियस की रेशियो तो पता है तो यहां से किसकी रेशियो आ जाएगी, लेंथ की रेशियो आ जाएगी। तो लेंथ की रेशियो पुट कर देना, रेडियस की रेशियो पता है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, आपको आर ए की वैल्यू गिवन है, आर बी निकालना, आंसर आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? मास को इक्वेट करके, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वेट करके लेंथ की रेशियो आएगी। बस लेंथ की रेशियो आ गई, रेडियस की रेशियो आ गई, रेजिस्टेंस की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। कोई डाउट इसमें? तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं इसमें? हाँ, ये सॉल्यूशन थोड़ा उल्टा हो गया, आर बी उल्टा लिखा गया है मुझसे ये यहाँ पे। तो पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? जैसे एक यूनिफॉर्म वायर है, उसको चार सेगमेंट में काट दिया, हर एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से ट्वाइस दी लेंथ है। सबसे छोटे सेगमेंट की अगर लेंथ एल है तो दूसरे की ट्वाइस टू एल है, तीसरे की फोर एल है, नेक्स्ट की एट एल है। सबसे छोटे टुकड़े की अगर रेजिस्टेंस आर है तो दूसरे की टू आर है, तीसरे की फोर आर है, नेक्स्ट की एट आर है। डबल डबल होती जा रही है, राइट? क्लियर है यहाँ तक? तो क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ डबल है, रेजिस्टेंस डबल है, रो रिमेन सेम, मटेरियल चेंज नहीं किया, एरिया चेंज नहीं किया क्योंकि वायर को काटा गया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन्स सेम। तो ये वैल्यू आ गई। तो कह रहे पूरी वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी, ऐड कर दो, आर प्लस टू आर प्लस फोर आर प्लस एट आर, कितना आ गया, 15 आर। सबसे छोटे सेगमेंट की रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम, तो इसको 4 पुट कर दें, 4, तो टोटल वायर की रेजिस्टेंस क्या आएगी, 60 ओम। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है कि लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का है। रो का फॉर्मूला टाउ की फॉर्म में हमने निकाला था, तो ये और ये फॉर्मूला सेम है, बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और रो का एक ही फॉर्मूला आता है और कुछ फॉर्मूला नहीं है। तो इसके अंदर फाइंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है, टाउ टी निकालना है, एंड फ्री पाथ, फ्री पाथ क्या होता है अभी बताऊंगा, इस पर अभी रुक जाओ, पहले सिर्फ टाइम निकाल दो, टाइम ऑफ कोलिजन टाउ। एट रूम टेम्परेचर गिवन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पता है रो, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है एन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, और वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट भी पता है। अपने को क्या निकालना है, टाउ निकालना है। फॉर्मूला तो एक ही आता है अपने को, ये रहा फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम निकाल लो, मास पता है, चार्ज पता है, एन पता है, रो पता है, आंसर। तो पहले तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है कि अगर आपको रो पता है और टाउ निकालना है तो बस ये फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आ गया। फिर आपको निकालना है फ्री पाथ। ये फ्री पाथ क्या होता है, क्या आपने ऐसा कोई टर्म सुने प्लस वन प्लस टू में अभी तक, मीन फ्री पाथ? हाँ, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मीन फ्री पाथ, जिसमें मॉलिक्यूल गैस में मूव करते थे और टक्कर मारते थे एक दूसरे को, तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक वो फ्री टू मूव है, तो उस पाथ को बोलते हैं फ्री पाथ। तो गैसेस के अंदर ये टर्म चलती थी, केटीजी किया था। तो एक मॉलिक्यूल जब चलता है तो गैस में रैंडम मोशन में वो दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मारता है, तो टक्कर का टाइम जो भी है टी है, तो जब तक वो टक्कर नहीं मारता तब तक वो फ्री टू मूव है, तो जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा अपनी टक्कर से पहले वो फ्री पाथ है। इलेक्ट्रॉन की भी सेम सिचुएशन है, इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करता है, किसी आयन को जाके टक्कर मारेगा, टक्कर से पहले जितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया वो उसका फ्री पाथ है। तो ये मुझे निकालना है। तो फ्री पाथ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बाय अप्लाइंग एस इज इक्वल टू वी टी। तो कोलिजन का टाइम क्या है, टाउ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वी, तो अप्लाई करो एस इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी टी, वी टी वर्ड्स को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा, दिस इज द आंसर। कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें? नेक्स्ट है, वेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट, तो वी पता है, इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ एल पता है। जब भी किसी भी वायर का आपको वी पता हो, लेंथ पता हो, तो समझो क्या पता लग गया, ई पता लग गया। तो ई इज इक्वल टू वी बाई एल पुट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो ये टर्म आ गई। अब वो कह रहा है इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू इसमें गिवन है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालो। देखो
पहली चीज़ ये, फॉर्मूला आपको एक ही आता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का, और वो फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता होता है हर बार सेम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हर बार सेम है, एन मुझे पता है क्वेश्चन में, सिर्फ रो निकालना है। अगर मैं रो निकाल दूं तो टाउ आ जाएगा, ठीक है। रो निकालने का तरीका देखो, रो निकालने के लिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम हो और करंट डेंसिटी मालूम हो करंट बाय एरिया से, आप ओम लॉ अप्लाई कर दो। ओम लॉ अप्लाई करके जे पता है, ई पता है, सॉल्व करके क्या जाएगा, सिग्मा, सिग्मा से क्या जाएगा, रो, रो से क्या जाएगा, टाइम, आंसर। ये सॉल्यूशन लंबा है तो जो मैंने बताया वो सबसे बेस्ट है। तो आप ओम लॉ अप्लाई करके पहले रो निकाल लो, फिर रो और टाइम के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके टाइम की वैल्यू निकाल लो। सही है यहाँ तक? तो कैसे फॉर्मूला यूज़ करने हैं समझ में आ रहा है यहाँ तक? बस इसके आगे की थ्योरी हमने करनी है।